सुन सुन नौजवान अलो हरित क्रांति में शान अन धन से भरल बाटे खेत खलिहान हरा सब्जी उगाई जिससे हो खेला। मौसी जी कैसे हो बेटा? मौसी जी देखिए फीस को चक्कर आके गिर गया। क्या हो गया बेटा? आवाज पानी लेके जो बेटा पानी पी बेटा। बाबा को क्या हो गया है? का पता ना कि कैसे तबीयत इतना खराब हो रहा है, चक्कर लग के गिर जा है, सब कुछ तो खिलावले कर रही, कैसे ऐसे हो रहा है? सारा साग सब्जी तो लाकर दे ही रहे हैं, पता नहीं कि क्या हो गया है। लीजिए खाइए। अम्मा मुझे आज भी चावल और प्याज खाने के लिए दोगी? पापा के कार हैं बेटे, दो दिन से सब्जी लाने के लिए तो नहीं ला रहा, आज भी खा लो चावल और प्याज। मुझे फुर्सत नहीं है जो मार्केट जाने के लिए, ठीक है कल हम सवेरे ला देंगे। बेटे आज भर खाना खा लो। क्या हो रहा है? क्या बताइयो तो महाराज, अरे घर में एगो मलकिनी अलो है, फरमाइशे रोज कर को रोज सब्जी ये लावे कह तो अब घर में सब्जी ला के दियो रोज की, अब घर के काम करियो हमरा तो पता ना चला को अब। हाँ यार यही हालत तो हमरो है। आपका तो मार्केट वाला समस्या रहता है, परेशान रहते हैं, हम तो अपने बच्चे को सब्जी ला के दे रहे हैं तब भी मेरा बच्चा बीमार पड़ रहा रहता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। हाँ यह तो बहुत समस्या वाला बात है। वह देखो सुदेव भैया जा रहे हैं तो बुलावा ना उनका। सुदेव भैया हाँ क्या है? आइए ना। हाँ आ रहे हैं। प्रणाम भैया, यहाँ पर क्या चल रहा है अभी? आप लोग के देखे वापस में गप सप करते है, हमको भी याद किए बुलाए। ऐसे ही गप सप हो रहा घर घर उर के मैटर में, जो कि घर में समस्या को सब्जी तब्जी लंगर फंदर यही सब समस्या को यही सब बात हो रहा। सब्जी भी इस मन समस्या कौन बड़ा समस्या हो गई सब्जी उब्जी वाला? हाँ यार हमको समस्या यही है कि दुए दिन पर मार्केट जाने पड़ता है, मार्केट बहुत दूर ही पड़ता है। अरे हम नहीं, हमारा तो प्रॉब्लम है सब्जी वाला की, सब्जी ले ला करके कैसुम करके दे भी दे भाई, लेकिन शौकत भैया के तो भाई सब्जी रोज ला के दे हकीन, लेकिन फिर भी इनकर बच्चा है जो कि 7-8 दिन से तबीयत खराब है, अब का कैसे है जो हमारा तो पता ना लगा है। अच्छा तो ये समस्या है भैया, बाजार का सब्जी ये ला के खिलाते हैं बउआ के, हरा सब्जी में बाजार वाला सब्जी में रासायनिक खाद का प्रयोग अधिक होता है, हो सकता है बउआ के उसी से हरा सब्जी से तबीयत खराब होता है या कोई और कारण है? भैया रासायनिक का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, हम लोग अपने समय में घर ही उपजा करके सब्जी खाते थे। एकदम आपने सही बोले दादा, घर का सब्जी बाहर से लाया हुआ सब्जी से ज्यादा घर का उपजाया हुआ सब्जी पौष्टिक है। तो घर में कैसे उपजावल जाए? तो ये कहे के मतलब है कि घर में तो जरी सुन जमीन रहा है, तो कैसे उपजावल जाती? छोटी सी जमीन है भैया तो क्या हुआ, उसमें भी पोषक बगीचा लगा सकते हैं। देखिए भाई लोग, आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो घर का पौष्टिक सब्जी आप लोग का मिलेगा। पोषक बगीचा भैया और घर का सब्जी ये कैसे हो सकता है भैया बताइए? घर में जो सब्जी लगाते हैं भैया उसी को किचन गार्डन या पोषक बगीचा कहते हैं। घर में सब्जी उपजाने से आपको फायदा मिलेगा, समय का बचत होगा, मार्केट जाते हैं उसके बाद घर में पौष्टिक सब्जी मिल जाएगा, ये फायदा आपको अधिक है। इसे घर परिवार महिलाओं बच्चों का भी स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। अब फायदा के बात तो हमें आप बता दिए, ठीक, लेकिन इसमें हम घर पर कैसे लगाएंगे इसका विस्तार जानकारी हमको दीजिए, तब तो हम घर अपने परिवार को इसे लाभान्वित करेंगे। ठीक है भैया, चलिए मेरे पड़ोस में लगा रहे हैं किचन गार्डन, चलिए सिखा देते हैं। ठीक है भैया चलते हैं। ठीक है चलिए भैया। प्रणाम नरेंद्र भैया। देखिए कितना आदमी के आपसे मिलाने के लिए लाए हैं।
प्रणाम सभी भैया, कैसे अलू हमारा ही जे? अभी तो हम काम में व्यस्त ही हो। हाँ भैया, आप किचन गार्डन बना रहे हैं तो इन लोग के सिखावे लाए हैं, तो वही सिखा दीजिए इनको भी। ठीक है का, वो तब बता दे ही। और कुछ मेरे पास कुछ बीज है भैया, जेरा लगी क्यारी बने लियो है। भैया चलिए किचन गार्डन में क्या क्या सामग्री लगती है इसको हम दिखाते हैं। देखो भैया, गर्मा किचन गार्डन का ये बीज है। देखो भैया ये एरा में कौन कौन बीज है। ये परोर के बीज अले, ये भिंडी के हको, ये बैगन के है, ये पालक के है, ये कद्दू के है, ये साग है ललका। बीज के अलावा क्यारी तैयार करे लगी कुदार है। ये कंपोस्ट हको, बैगन के क्यारी झापे लगी नेवारी हको, सिंचाई के लिए पानी हको, रोपने के लिए खुरपी। ये छह तरह का बीज है और इसको लगाने के लिए 20x20 फीट का जगह की जरूरत होती है। देखिए भैया, ये 12 इंच है, 12 इंच को 1 फीट कहते हैं। इसी तरीका से हम 20 फीट नाप रहे हैं, 2, 3 ए 20। भैया ये बनाए हैं जो 20x20 का 20 फीट का किचन गार्डन है? हाँ, 20x20 फीट का किचन गार्डन है भैया। ये क्या क्या चीज की तैयारी किए हैं? देखिए भैया, हम तो पहले ही आपको मिट्टी में कंपोस्ट मिला लिए हैं, उसके बाद है जो सारा क्यारी को हम तैयार कर लिए हैं। आप भी जब किचन गार्डन बनाइएगा तो इसी तरीका से मिट्टी में कंपोस्ट को मिला लीजिएगा और तैयार कीजिएगा। ये 2 क्यारी बना लिया है, एक पालक साग के लिए है को, एक लाल साग के लिए है को। जी क्यारिया बनाए भैया तो ये चारों पट्टी गड्ढा कहाँ लगे हैं? गड्ढा बनावे के मतलब है कि एरा में पानी देला पर बिया न दहता है, आसानी से गते गते करके पानी पूरा में फैल जीता है। जब भी आप साग बुनिएगा तो चारों बगल क्यारी के नाला बनाकर ही लगाइएगा। देखिए भैया, ये लाल साग है, ये बालू में मिलाकर बुनने से आसानी होगी। इसको इस तरीका से हम बुनते हैं कि नाली में बीज न जाए। अब उसी तरह दूसरे क्यारी में पालक का साग लगा रहे हैं। देखिए भैया, बीज तो बो दिए, उसके बाद पानी ऊपर से हल्का हल्का छिड़क दे रहे हैं, उसके बाद नाले में पानी को भर देंगे पानी से। लाइए भैया, हम भी मदद कर देते हैं। कीजिए। अब नाला को हम लोग पानी से भर देते हैं। जब भी पानी डालना है तो नाले में ही डालना है, इससे पानी फैल जाएगी सभी जगह। ठीक इसी तरह है, दूसरे क्यारी में भी हम पानी छिड़क देते हैं पहले, उसके बाद नाले में पानी हम देंगे। अच्छा, ये पालकवा या ललका सगिया जो लगेल हो, एरा से कौची कौची फायदा हमरा के होती? पालक साग और पत्तीदार सब्जी लगाने खाने से विटामिन ए पाया जाता है, जो आंख की रोशनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आयरन पाया जाता है जिससे खून की कमी को पूरा करती है। राइबोफ्लोबिन पाया जाता है जिससे अच्छा सेहत बनते हैं। अच्छा, ये साग वाला बात तो हो गई, क्यारिया ही वाला कहला बनेलू है? देखिए भैया, ये बनाए हैं लंबे लंबे क्यारी जो भिंडी के लिए बनाए हैं।
देखिए भैया, ये गर्मा फसल है, गर्मा भिंडी करहा बनाकर हम लगाते हैं। अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम करहा बनाते हैं और बरसात के दिनों में हम थोड़ा ऊपर लगाएंगे। गर्मी के मौसम में तो करहा में लगी हुई, बरसात में ऊपर लगी हुई। ठीक है, समझा लो हुआ। देखिए भैया, भिंडी का बीज को रोपने के लिए हम एक नाप बनाते हैं जो एक फीट का दूरी पर होती है। ये भिंडी का फूला हुआ बीज है, आरी से 6 इंच छोड़कर पहला बीज हम रोप रहे हैं। देखिए भैया, आरी से 6 इंच दूरी पर इसीलिए हम लगाते हैं कि आरी पर कुछ घास वगैरह रहता है जो उसको कोड़ के बगल में अच्छी तरह से हो जाता है, और दूसरा है कि आने जाने की जो सुविधा होती है उसमें ऐसा ना हो कि पेड़ लात पर जाने के कारण वो चुरा के ख़त्म हो जाएगा। एक फीट का लकड़ी है, इसके नाप कर दूसरा बीज मैं डाल रहा हूँ। अब हमें दूसरा बीज को डाल रहे हैं। देखिए भैया, इसी तरीका से हम बीज को आगे लाइन में हम लगाते जाएंगे। देखिए भैया, दो पौधों के बीच की दूरी हम 1 फीट इसीलिए रखे हैं कि भिंडी का पौधा अच्छा विकास करे और फूजे, लंबा होता इसका पौधा। अच्छा भैया, ये बताइए कि भिंडी खाने से क्या क्या फायदा है? देखिए भैया, भिंडी में विटामिन B2 है, B3 है, आयरन है, ये सब रहने के कारण बच्चों का मानसिक विकास होता है और पाचन क्रिया सब लोगों को ठीक रखता है। अच्छा भैया, ये कतार से कतार की दूरी कितना होना चाहिए? देखिए भैया, कतार से कतार की दूरी 1.5 फीट रखें। देखिए भैया, भिंडी के बाद हम कद्दू का इस लाइन में लगाएंगे और परोर को इस लाइन में हम लगाएंगे। अच्छा ये तो बताइए, कद्दू और परोर जो लगा रहे हैं तो उसको लगाने के लिए यही जगह आप क्यों चुने? देखिए भैया, ये इस जगह इसीलिए हम चुने हैं कि कद्दू और परोर में लत्ती होता है और उसको चहाने के लिए अलान की ज़रूरत है। तो 4 पौधे मेरे पहले से लगे हुए हैं, इसमें रस्सी बांधकर अलान हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए भैया, अब हम कद्दू लगाते हैं। देखिए भैया, अब कद्दू और परोर रोपने के लिए 4 थल्ला हम पेड़ के पास बना रहे हैं। देखिए भैया, ये 4 थल्ला हमने बनाया है, ये उधर वाले 2 थल्ले में कद्दू का बीज लगाएंगे और इधर परोर का 2 थल्ले में बीज लगाएंगे। कद्दू का बीज है जो लाइन में भी लगा सकते हैं, और हमने इस तरीका से लगाए हैं कि पानी आसानी से इस पर पड़ सके। अच्छा ये तो बताइए, कद्दू और परोर को खाने से फायदा क्या होगा? देखिए भैया, आपको कद्दू और परोर में आपको विटामिन बी है, विटामिन सी है, और इसको खाने से आपको शरीर ठंडा रहेगा, गर्मी के मौसम में लू से आपको बचाव होगा, फिर डायबिटीज होने की संभावनाएं कम रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा भाई, इस कोने में क्या बनाए हैं? साग के लिए हम क्यारी बनाए हैं, बनाते हैं उसी तरीका से इसका बैंगन के गाछ देने के लिए नर्सरी बेड बनाए हैं। देखिए भैया, इसके ऊपर बैंगन का हम बीज को अच्छी तरह से छिड़क रहे हैं, अब इसको हम अच्छे तरह से मिला लेते हैं। अब इसके ऊपर हम पुआल से ढक देते हैं।
अच्छा भैया उस पर पुआल क्यों बिछाए हैं? देखिए भैया ये पुआल हम इसीलिए बिछाते हैं कि जो बीज हम छिड़के हैं उसको ऐसा ना हो कि चिड़िया चुग जाए, और दूसरा है कि जो डायरेक्ट धूप लग रही है वो सीधा ना पड़े और जमीन में जो नमी है उसको बरकरार रखे, और पानी जब ऊपर से हम छिड़कते हैं तो अत्यधिक मात्रा में नहीं कहीं पड़े। देखिए भैया अब हम इस पर पानी हल्के हाथों से छिड़क रहे हैं। भैया जी ये पुआल जो है कितने दिन में हटाएंगे? इस पुआल को हम अंकुरण होने के बाद हटा देंगे। अच्छा भैया अंकुरण के कितना दिन बाद गाछी लगेगा? अंकुरण के 20 दिन बाद हम इसकी रोपाई कर सकते हैं। भैया बताइए ना ये खाने से क्या क्या फायदा है? बैंगन में विटामिन B2, B3 पाया जाता है, और इसके खाने से हृदय रोग और भूलने की जो क्षमता होती है इसकी संभावना बहुत कम होती है। देखिए भैया हर मौसम में आपके सब्जी होती है और हर मौसम में हमको सब्जियां खानी चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। किचन गार्डन बनाने के समय में 4 बात के ध्यान देवे पड़ते हो। सबसे पहला बात है कि खेत में ना बनना चाहिए, घर के नज़दीके में बनना चाहिए। और दूसरा बात है कि गर्मी के दिन में बनेबू ना तो इस ढंग से नाला रखो कि पानी के जल जमाव ठीक रहे, और बरसात के मौसम में इस ढंग से तू बनेबू कि वो करे पानी के निकास अच्छा हो। तीसरा बात है ध्यान देवे के भैया किचन गार्डन बनाने के लिए कि जिस जगह पर पानी होवे वही स्थान पर बनाना चाहिए, आसानी से वजह हम पटा सके ही। चौथी बात ध्यान देने का है भैया कि मौसम के अनुरूप ही अपने किचन गार्डन में सब्जी लगाएं, जिससे सारे पोषक तत्व हम लोगों को उपलब्ध हो जाए। अच्छा ये 4 को बात बतेलू ना, ये 4 बतिया के थोड़ा दोहरा दही। ठीक है हके बताओ ना। तो पहला बात बतेलू कि किचन गार्डन बनावे लगी घर के पास वाली जमीन होना चाहिए, चाहे घर के बाड़ी होना चाहिए उसी में किचन गार्डन बनता है। और दूसरी बात है कि वहाँ पानी का सुविधा हो जो कि पटाने में हम लोगों को सुविधा मिले। तीसरी बात है कि गर्मी के मौसम में अगर लगावा है तो जो नाला बना रहिए उस नाला में पानी का जमाव अच्छा हो, अगर बरसात में हम बनावे है तो उसका निकास अच्छा हो पानी का। और चौथी बात ये कि अगर मौसम अनुकूल अगर जो बीज उपलब्ध है बाजार में वही बीज हम लगेबे, वही सब्जी जो बाजार में अवेलेबल है वही सब्जी लगाएंगे तो हमको सुविधा होगी और हम लोग पौष्टिक भोजन उपलब्ध कर पाएंगे। ठीक है समझल हुआ है एकदम। ये जो सब्जी लगा रहे हैं क्या हम इस सब्जी को हम सालों भर लगा सकते हैं? अगर लगाएंगे तो किस मौसम में किस सब्जी को लगाएंगे ये कृपया बता दीजिए। देखिए भैया आपको खरीफ में आपको बैंगन लगेगा, भिंडी लगेगा, सीम लगेगा भी, और कद्दू लगेगा, करेला लगेगा इत्यादि, ये सब लगा सकते हैं आप खरीफ में। ठंडा मौसम है जिसको आप रबी के मौसम कहते हैं तो रबी के मौसम में आप बैंगन लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, फूलगोभी लगा सकते हैं, बंधा गोभी लगा सकते हैं, ये सारे चीज़ आप लगा सकते हैं। हाँ भैया ये तो बहुत बढ़िया चीज़ बता दिए हैं, अब हम सीख लिए हैं, अब हम भी घर में सब्जी उगाएंगे और खाएंगे। एकदम सही बोला आपने, हम भी मार्केट जाने से बच गए, हम भी सब्जी उगाएंगे और खाएंगे। जी भैया ठीक है भैया। ठीक सुन सुन नौजवान ऐलो हरित क्रांति में शान, सुन सुन नौजवान ऐलो हरित क्रांति में शान,
अन धन से भरल बाट खेत खलिहान, हरा सब्जी उगाई जिससे होवे ला भलाई, हरा सब्जी उगाई जिससे होवे ला भलाई, हरा सब्जी खाई जिसमें विटामिन पाई, स्वस्थ शरीर वाके हो खेला भलाई। सुन सुन नौजवान अलो हरित क्रांति में शान, सुन सुन नौजवान अलो हरित क्रांति में शान, अन धन से भरल बाट खेत खलिहान।